ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडेनी एप। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो तो हमारे देश का उद्देश्य है वापस लेना, और उसमें हमारी पार्लियामेंट ने पहले ही उसके अंदर एक पास किया हुआ है पूरी मत से 100% से कि भाई जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो हमारे देश का एक निर्देश, एक क्या कहते हैं, बिल्कुल हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि हमने वापस लेना है उसको। अब कैसे होना है, कब होना है, किस तरह होना है, वो जरा है मोडालिटी उसकी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक संकेत दे दिया है, जब आर्टिकल 370 का जो सुप्रीम कोर्ट का एंडोर्समेंट आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जिस हिसाब से आर्टिकल 370 जो है अबॉरोगेशन की है सरकार ने, बिल्कुल सही की है, उसके अंदर कोई खामी नहीं है, लीगली कोई खामी नहीं है, इसलिए वो परमानेंट हो गया कि अब कोई आर्टिकल 370 नहीं है। तो तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट हिंदी में भी किया और उर्दू में भी किया। वो उर्दू में इसलिए क्योंकि वहाँ की जो जनता है सारी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान की, उनको पता लग जाए कि जी क्या है ये हमारे प्रधानमंत्री जी के माइंड में। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a Union Territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।